सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि एक नोटिस के अकॉर्डिंग अभी तक ये माना जा रहा है कि आपका जो फिजिकल होगा वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो सकता है। इसके बाद हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि मेरा स्कोर जो है वो सेफ स्कोर रहेगा या नहीं होगा, मेरा नाम मेरिट में आएगा या नहीं आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, जिससे कि ये क्लियर हो पाए कि मुझे अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बेस्ट ट्राई करूंगा और आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, जिससे कि आपको यह क्लियर हो पाए कि आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप सभी को सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यहां पर 2-3 पॉइंट क्लियर चाहूंगा जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज तो आपको जो मैं ये कट ऑफ बताने वाला हूं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे बताने वाला हूं। तो यहां पे जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद जो आपकी कट ऑफ होगी वो मैं आपको बताने वाला हूं, ना कि आपके रो मार्क्स पे। तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर बाद में ये कंफ्यूजन रहता है कि आपने रो मार्क्स पे बताई है या नॉर्मलाइज मार्क्स पे। तो आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी आपके नंबर घटेंगे बढ़ेंगे उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि सभी शिफ्ट को एवरेज किया जाएगा और एवरेज करने के लिए मैं लगभग ये मानता हूं कि हार्डेस्ट शिफ्ट जो आपकी रहेगी उसे 7 से 8 नंबर का बेनिफिट हो सकता है। एवरेज स्कोर जब होगा तो उस शिफ्ट के 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं। ऐसे मान के चलो कि अगर आपके रो मार्क्स आ रहे हैं 80 और आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपके नंबर यहां पे 88 के अप्रोक्स पहुंच सकते हैं, 8 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो आप सभी का ये क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट अगर एवरेज देखें तो एवरेज जो अटेम्प्ट है बच्चों का वो है 85 और 85 के बाद जो एवरेज स्कोर है वो है 65। तो इसके बीच में जो आप वेरिएशन देख रहे हैं 20 नंबर का वो वही है जो बच्चे गलत करके आए हैं, लेकिन अटेम्प्ट और नंबर आने के बीच में ये गैप हमेशा रहता ही रहता है। तो लगभग अभी के बीच में अगर आप देखेंगे तो एवरेज यही है कि अटेम्प्ट बच्चा करके आ रहा है 85 और नंबर आ रहे हैं 65। आप सभी जानते हैं कि 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 100 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट या जो भी मेरिट आती है वो आपकी तैयार होती है। तो ये चीज यहाँ पे आपकी एकदम से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो आप सभी को बता दें कि देखो यहाँ पे कट ऑफ हाई आने का सबसे बड़ा रीजन है जीके, क्योंकि जीके का ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूं, इसी का वेटेज 50% है। और जब आपके जीके का वेटेज पूरे पेपर में 50% है तो कट ऑफ निश्चित तौर पे आपकी डाउन जाती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज्यादा स्कोरिंग नहीं होता। साथ ही में अगर हम बात करें तो पेपर की बात करें तो पेपर काफी शिफ्ट में हार्ड भी देखने के लिए मिला है, हालांकि अगर बात करें तो कुछ शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर हल्का देखने के लिए मिला है, हल्का इन द सेंस इसके कंपैरिजन में, बाकी का पेपर का लेवल बहुत बढ़िया आया है। कोई भी अगर बाहर बैठ के ये कह रहा है कि आपका पेपर बहुत इजी है तो बाहर बैठ के उस पेपर को कितना भी आसान बताया जा सकता है, लेकिन एक्चुअल में पेपर का लेवल ठीक है। क्योंकि देखो जब क्लासरूम में एग्जाम हॉल में हम बैठे होते हैं तो उस टाइम की सिचुएशन और बाहर निकल के सिचुएशन, दोनों सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर वही पेपर हमें बाहर दे दिया जाता और नॉर्मली वैसे ही मॉक टेस्ट होता तो हो सकता है कि हम उसमें और ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते, लेकिन सिचुएशन वहां ऐसी नहीं होती है और जिस बच्चे को जॉब चाहिए उस बच्चे के लिए थोड़ी सी सिचुएशन पैनिक हो जाती है, दैट्स व्हाई वहां पे कहीं ना कहीं स्कोर डाउन जाता है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं वो आपको यहां पे क्लियर हो गए होंगे। पेपर का लेवल ऑलरेडी आप सभी जानते ही हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में कि यहाँ पे कट ऑफ का क्या सीन है, कितने नंबर पे आपकी कट ऑफ जा सकती है। सबसे पहले यहाँ पे 2020 और 2023 का कुछ कंपैरिजन है, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो पाएगा। मैं ईच एंड एवरी ईयर ये मानता हूं कि हर साल लगभग 10% आपका कंपटीशन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये भर्ती पिछले 2020 में आई थी और अभी आपकी भर्ती आई है 2023 में, यानी कि 3 साल में लगभग 30% का कॉम्पिटिशन का लेवल इंक्रीज हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बढ़ने के साथ साथ हमारी कुछ एक और चीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, वो हुई है आपके पदों की संख्या। आप सभी को बता दें कि पहले पदों की संख्या नोटिफिकेशन में 5,840 थी और अभी नोटिफिकेशन में पदों की संख्या है 7,547,
यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है 29%, और कंपटीशन देखें तो कंपटीशन का लेवल बढ़ा है लगभग 30%। तो लगभग इन दोनों चीजों को आपस में न्यूट्रल किया जा सकता है, यानी कि हमारे कंपटीशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके पदों की संख्या बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन उससे लैप्स हो जाता है। तो ये चीज यहां पे अगर हम देखें तो हम इसे आपस में न्यूट्रल मान सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहां पे आपके कैंडिडेट की, तो 2020 की भर्ती में 67,740 कैंडिडेट को पास किया गया था, यानी कि 11.58 गुना कैंडिडेट यहां पे क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए। वहीं पे अगर हम 2023 में बात करें तो एज पर नोटिफिकेशन 12 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है, तो इसके हिसाब से 90,564 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि आपके फिजिकल में पार्टिसिपेट करेंगे, फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। अब अगर यहां पे हम बात करें तो 2020 की एक बार कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं। 2020 में जनरल की जो कट ऑफ गई थी 61.31 आपकी कट ऑफ गई थी, और फीमेल की 48.19 आपकी कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस में कुछ चमत्कार हुआ था, क्योंकि सबसे कम जो कट ऑफ थी वो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही देखने के लिए मिलेगी, चाहे आप मेल की बात कर लें या फिर फीमेल की। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इस वाली भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को हुआ था। मेल की कट ऑफ सबसे कम 51.75 पे गई थी, साथ ही में फीमेल की कट ऑफ गई थी 30, तो मेल की 51.75। वहीं पे ओबीसी मेल कैंडिडेट की 58.87 और फीमेल कैंडिडेट की 44.52। एससी की अगर हम बात करें तो एससी की आपकी कट ऑफ गई थी 51.93 और मेल कैंडिडेट की गई थी 39.44। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ एससी से ज्यादा थी 55.24 और फीमेल एसटी की बात करें तो 39.97 आपकी कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। तो ये 2020 का डेटा है। तो 2020 के बाद अगर हम बढ़े आपकी 2023 की तरफ, वर्तमान में जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको ट्राई करूंगा कि यहां पे आपको एक एक चीज मैं आपको बता पाऊं, कट ऑफ बता पाऊं कि एग्जैक्ट कितने नंबर तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो जो भी कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज तो आप अपने दिमाग में रखें कि विद नॉर्मलाइजेशन में बता रहा हूं, अगर आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपके 7 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं, और जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं उससे अगर 7 से 8 नंबर कम है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और देखो, एक्सपेक्टेड का मतलब ही अनुमानित होता है, तो एक्सपेक्टेड को आप एज ए एक्सपेक्टेड ही लें, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप उसे रियल मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी का रही बात इसकी कि कैसे पता चले कि हमारी शिफ्ट हार्ड है या इजी है, तो इसका कंपैरिजन आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट है या हार्ड शिफ्ट है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो देखो कट ऑफ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट में अगर आपके 60 नंबर अप्रोक्स आ रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फिजिकल की। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो लगभग 50 नंबर पे आपका इस बार सिलेक्शन हो सकता है, मेरिट में नाम आ सकता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो देखिए 2020 का जो चमत्कार हुआ था वो 2023 में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चमत्कार देखने के लिए नहीं मिलेगा। रीजन आप सभी जानते हैं कि उस टाइम फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत कम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट था, 10% वैकेंसी रिजर्व थी, इसी कारण से आपकी ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो काफी कम गई थी, जो कि अब आपकी नहीं जाएगी। तो यहां पे अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 58 से 59 के बीच में समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी का अगर यहां पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो लगभग यहां पे आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो यहां पे आपको 48 के आसपास देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में लगभग आप ये मान सकते हैं कि 57 से 58 के बीच में लगभग आपके अगर नंबर हैं मेल कैंडिडेट में तो आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वहीं पे ओबीसी अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो लगभग 46 पे आपका नंबर यहां पे आ सकता है फीमेल कैंडिडेट में। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें कि एससी मेल कैंडिडेट की कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, तो लगभग आप ये मान के चले कि 52 से 53 नंबर के बीच में अगर आपके हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही में अगर फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो लगभग 40 नंबर पे एससी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट का नंबर आ सकता है। वहीं पे अगर हम एसटी की बात करें तो लगभग आपके 54-55 नंबर आपकी लगभग कट ऑफ रह सकती है। साथ ही में अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो लगभग अप्रोक्स 40 नंबर के आसपास ही आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये जो अभी का डेटा अवेलेबल है और जो चीजें हैं उसके आधार पर मैंने आप
आपको कट ऑफ बताने की कोशिश की है। और देखो जो फिजिकल का टारगेट होना चाहिए वो न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे समझ के चलो कि यहाँ पे आप अगर इसमें प्लस माइनस टू भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे हाईएस्ट लेके चलोगे और हाईएस्ट पे अगर उससे थोड़ी कम आपकी कट ऑफ गई तो उस कंडीशन में आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो सबसे मेन चीज है कि आपको पॉजिटिव चीजें सोचनी और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार जिस बच्चे ने फिजिकल की तैयारी कर ली उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर 22 दिसंबर से आपका फिजिकल होता है तो फिजिकल में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालिफाई होंगे, क्योंकि यहाँ पे रनिंग वगैरह आपकी काफी बढ़िया होती है और दिल्ली पुलिस में फेल भी आपके काफी ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए आपका जो फोकस होना चाहिए, अभी से अगर इतने नंबर हैं और आपको 1% भी खुद पर बिलीव है तो आप अभी से अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी और जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे थे उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल पाया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।